वेलकम फ्रेंड्स, अब हम शुरुआत करते हैं पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन की। पीछे वाले वीडियो में हमने थोड़ा बहुत बेसिक किया था, अब एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, जेड इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस बी वाई की क्यूब। इसमें क्या करना है, हमें पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बनानी है बाई एलिमिनेटिंग दी आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट्स। तो यहाँ पे आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट्स हमारे पास क्या है, ए और बी, इनको रिमूव करके हमें पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बनानी है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, यहाँ पे हमारे पास वेरिएबल क्या है, एक्स और y, तो हम x और y के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम डिफ्रेंशिएट करते हैं इक्वेशन फर्स्ट को विद रेस्पेक्ट टू x। ठीक है, तो हमारे पास कितना आ जाएगा, डेल z बाई डेल x इज इक्वल टू a एज इट इज, x क्यूब का डिफ्रेंशिएशन कितना हो जाएगा, 3x स्क्वायर प्लस, जब हम पार्शियली डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, यहाँ पे देखिए जो हम डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं पार्शियली कर रहे हैं। ठीक है, तो प्लस जीरो, तो यहाँ से हमारे पास कितना हो गया, थ्री ए एक्स स्क्वेयर डेल जेड बाई डेल एक्स। ठीक है, अब क्या करते हैं, वाई के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं। तो डिफरेंशिएटिंग फर्स्ट पार्शियली विद रेस्पेक्ट टू वाई, तो हमें क्या मिलेगा, डेल जेड बाई डेल वाई इज इक्वल टू ए एक्स की क्यूब, जो है ए कॉन्स्टेंट है एक्स की क्यूब। अब जब हम पार्शियली वाई के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो कॉन्स्टेंट की तरह बिहेव करेगा बी एज इट इज, वाई क्यूब का कितना हो जाएगा, थ्री वाई स्क्वायर। अब आप यहाँ से देखिए, मेरे को ए और बी जो आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट है इनको हटाना है, तो ए की वैल्यू हम यहाँ से निकाल लेते हैं। तो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, डेल जेड बाई डेल एक्स डिवाइडेड बाई थ्री एक्स स्क्वायर, इसके साथ आ गया। ऐसे ही हम b की वैल्यू निकाले तो वो कितनी आ जाएगी, 1 बाई थ्री वाई स्क्वेयर इंटू डेल जेड बाई डेल वाई। तो आप यहाँ पे देखिए, a की वैल्यू भी आपके पास और b की वैल्यू भी है, तो फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूटिंग इनको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर सेकेंड और थर्ड, सब्स्टिट्यूटिंग दीज values of a and b from second and third in first, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, z as it is, a की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 1 upon 3x square into del z by del x into x की क्यूब प्लस, b की वैल्यू कितनी है, 1 upon 3y square into del z by del y into y क्यूब। ठीक है, तो यहाँ से y square से cancel, स्केयर से ये कैंसिल, तो हमारे पास कितना आ गया, z इज इक्वल टू 1 बाई थ्री डेल जेड बाई डेल एक्स प्लस 1 बाई थ्री डेल जेड बाई डेल वाई इंटू वाई, और यहाँ पे इंटू में x। तो आप यहाँ पे देखिए 1 बाई थ्री दोनों में कॉमन है, तो हम यहाँ से 3 साइड मल्टीप्लाई में लेके आ सकते हैं। तो हमारा आंसर कितना आ गया, 3z इज इक्वल टू x डेल जेड बाई डेल एक्स प्लस y डेल जेड बाई डेल वाई। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम ले रहे हैं वो है, फ्रॉम द पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बाय एलिमिनेटिंग द आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट फ्रॉम द इक्वेशन z इज इक्वल टू ए इंटू एक्स प्लस वाई प्लस बी इंटू एक्स माइनस वाई प्लस ए बी टी प्लस सी। ठीक है, ओके, तो हम इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट ले लेते हैं। ठीक है, तो अब देखिए हमारे पास इन जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं वो क्या क्या है, x, y और t। तो हमारे पास जितने भी इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स है उसके रेस्पेक्ट में हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं, और जो डिपेंडेंट वेरिएबल है हमारे पास वो है जेड। ठीक है, तो सबसे पहले डिफरेंशिएट करते हैं इक्वेशन फर्स्ट को, या फिर हम लगातार कर सकते हैं, क्या करेंगे, डिफरेंशिएटिंग फर्स्ट विद रेस्पेक्ट टू एक्स वाई एंड टी रेस्पेक्टिवली। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, अब देखिए यहाँ पे डेल जेड बाई पार्शियली, ठीक है, तो डेल जेड बाई डेल एक्स हमारे पास कितना आ जाएगा,
ए कांस्टेंट है एज इट इज होगा, एक्स का डिफरेंशिएशन एक्स के रेस्पेक्ट में 1 प्लस वाई का 0 प्लस बी, एक्स का 1 माइनस 0 प्लस ए बी टी जो है कांस्टेंट की तरह बिहेव करेगा और जो सी है वो कांस्टेंट है, तो हमारे पास कितना आ गया ए प्लस बी डेल जेड बाई डेल एक्स, हमारे पास ये आ गया। इसको हम इक्वेशन नंबर सेकंड ले लेते हैं। ऐसे ही डेल जेड बाई डेल वाई हमारे पास कितना आएगा, ए एज इट इज एक्स का 0 वाई का 1 मीन्स 1 प्लस बी एक्स का 0 वाई का माइनस 1, तो हमारे पास कितना आ गया ए माइनस बी। इसको हम ले लेते हैं इक्वेशन नंबर थर्ड, डेल जेड बाई डेल वाई हमारे पास कितना आ गया ए माइनस बी। ठीक है, अब हम टी के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करते हैं, डेल जेड बाई डेल टी हमारे पास कितना आ जाएगा, एक्स प्लस वाई है इसमें तो ये कॉन्स्टेंट की तरह बिहेव करेगा, ए वैसे ही कॉन्स्टेंट है, इसमें एक्स माइनस वाई है तो ये भी कॉन्स्टेंट की तरह बिहेव करेगा, सी वैसे ही कॉन्स्टेंट है तो बचा ए बी टी, इसमें ए भी हमारे पास कॉन्स्टेंट है, टी का कितना आ जाएगा 1। ठीक है, तो ये हम इक्वेशन नंबर फोर्थ मान लेते हैं। तो अब आप यहाँ पे देखिए हमें एक्चुअली में आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट कौन कौन से हटाने हैं, हम ए और बी की वैल्यू अगर कौन सी भी इक्वेशन में पुट कर दें, ठीक है, चाहे आप फोर्थ में कर दीजिए ए बी की वैल्यू पुट, चाहे आप थर्ड में कर दीजिए, चाहे आप सेकंड में कर दीजिए, ठीक है, तो यहाँ पे आप इजीली फोर्थ में कर देते हैं, जोड़ घटा कुछ नहीं करना पड़ेगा आपको। ठीक है, ए और बी की वैल्यू निकालते हैं पहले और फोर्थ इक्वेशन में पुट कर देते हैं, तो हमारे पास जो इक्वेशन आएगी वो हमारे पास क्या आ जाएगी, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हम क्या करेंगे, जो सेकंड इक्वेशन है वो ए प्लस बी है इज इक्वल टू दिस एंड ए माइनस बी इज इक्वल टू दिस, तो हम अगर सेकंड और थर्ड को जोड़ दे तो हमारे पास एक वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो एडिंग सेकंड एंड थर्ड, तो हमें देखिए क्या मिलेगा, जब मैं सेकंड और थर्ड को जोड़ूंगा तो ए प्लस बी प्लस ए माइनस बी, तो यहाँ से हमारे पास 2a आ जाएगा, 2a किसके इक्वल आ जाएगा, इन दोनों का जोड़ मीन्स डेल जेड बाई डेल एक्स प्लस डेल जेड बाई डेल वाई, इसको हम इक्वेशन नंबर फिफ्थ ले सकते हैं। सो 2a हमारे पास कितना आ गया इसके इक्वल, तो a हमारे पास यहाँ से कितना आ जाएगा ये आ जाएगा। ठीक है, ऐसे ही अगर हम सब्ट्रैक्ट कर दे थर्ड को सेकंड में से, सब्ट्रैक्टिंग थर्ड फ्रॉम सेकंड, देखिए हमारे पास कितना आ जाएगा ए प्लस बी माइनस ए माइनस बी, ए प्लस बी माइनस ए माइनस बी मीन्स प्लस बी, तो यहाँ से ए कैंसिल, 2b हो जाएगा हमारे पास, सो 2b किसके इक्वल आ जाएगा हमारे पास, 2b हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा, हम सब्ट्रैक्ट थर्ड को कर रहे हैं सेकंड में से, मीन्स डेल जेड बाई डेल एक्स माइनस डेल जेड माइनस सॉरी डेल जेड बाई डेल वाई, तो यहाँ से बी हमारे पास कितना आ जाएगा 1/2। तो अब आप यहाँ पे देखिए फिफ्थ और सिक्स इक्वेशन में हमारे पास ए और बी की वैल्यू आ गई है, हम फोर्थ में पुट कर देंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू जो ए एंड बी फ्रॉम फिफ्थ एंड सिक्स्थ इन फोर्थ, तो हमारे पास कितना आ जाएगा, देखिए यहाँ से जस्ट हमें क्या करना है, डेल जेड बाई डेल टी हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा, इन दोनों का प्रोडक्ट मीन्स 1/2 इंटू 1/2 1/4 हो जाएगा। अब मल्टीप्लाई में हमारे पास क्या आ जाएगा, डेल जेड बाई डेल एक्स प्लस डेल जेड बाई डेल वाई इंटू डेल जेड बाई डेल एक्स माइनस डेल जेड बाई डेल वाई। ठीक है, अब आप इसको देखिए, ये ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी है, तो इसको आगे हम सोल्व कर सकते हैं, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे देखिए इस साइड, तो हमारे पास डेल जेड बाई डेल टी किसके इक्वल आ जाएगा, डेल जेड बाई डेल टी जो है वो हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी मीन्स ए स्केयर माइनस बी स्केयर, सो डेल जेड बाई डेल एक्स का होल स्केयर माइनस डेल जेड बाई डेल वाई का होल स्केयर, यही हमारे पास क्या है, रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन है, विच इज द रिक्वायर्ड
डिफरेंशियल इक्वेशंस। सो थैंक्स फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में और क्वेश्चंस के साथ। अगर आपका कोई कमेंट हो तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइए।